सारा खाली का आंदोलन खत्म हो जाए, ये इतने साल के मेहनत में और आपने भी इतना पैसा चढ़वाने से उसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो गांधी ने उनको कहा कि तुमको क्या लगता है कि मुल्क आजाद हो जाएगा, तो खादी फिर से नहीं खड़ी हो सकती। तो गांधी के लिए मुल्क की आज़ादी पहले नंबर की चीज है, गांधी ने उसको कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और हम देखते हैं कि तीन सवालों पे उन्होंने बहुत काम किया और तीन उनकी प्रायोरिटी में रहे, आज़ादी की लड़ाई के अलावा एक छुआछूत खत्म करना, एक हिंदू मुसलमान एकता और एक खादी। और इन तीनों में छुआछूत खत्म नहीं हुआ और अभी भी किसी न किसी रूप में है, लेकिन गांधी ने जो एफर्ट किया उससे वो कितने संतुष्ट थे नहीं थे, लेकिन वो बड़ा एफर्ट है, काफ़ी बड़ा, इसी डायरेक्शन में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एफर्ट। लेकिन अभी बाबा साहब के अनुयायियों को या दलित मूवमेंट के लोगों को ये लगता है कि गांधी को इसी सवाल को ऊपर रखना चाहिए। जिसको ये भोगना पड़ता है उसके लिए तो ये बहुत जेन्युइन है और ये बहुत सही है कि वो इसको ऊपर रखे, लेकिन गांधी की प्रायोरिटी देखनी हो तो ये देखना चाहिए कि गांधी के लिए आज़ादी ही एक नंबर है। विभाजन गांधी ने मान लिया, हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिश पहले दिन से करने के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस ने मान लिया, स्थितियाँ ऐसी बनी, अंग्रेजी हुकूमत का रूप, जिन्ना का रूप, कांग्रेस का सब रूप, तो उन्होंने विभाजन मान लिया, लेकिन आज़ादी के सवाल पे कंप्रोमाइज का, आज़ादी टालने के सवाल पे उनके मन में, तो उनके दिमाग में ये क्लियरिटी थी कि आज़ादी सबसे ऊपरी चीज है। हम लोग गांधी की पढ़ाई में बार बार अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं। आप ये गौर करिए कि दुनिया के किसी भी आज़ादी की लड़ाई, गांधी के दौर में दुनिया भर में आज़ादी की लड़ाई उपनिवेशवाद के खिलाफ चलती रही, हिंसक ढंग से चली अधिकांश जगह। गांधी का आंदोलन अहिंसक रहा और बहुत कोशिश करके उन्होंने उसको अहिंसक बनाया, इतनी बड़ी फौज अहिंसक तैयार की, लेकिन हिंसक हुआ। गांधी ने उन आंदोलनों को समर्थन देने के पहले कभी नहीं पूछा कि ये हिंसक है कि अहिंसक है, गांधी ने उन सबको सपोर्ट किया। तो गांधी के लिए पहला मूल्य आज़ादी है, अन्याय खत्म करना है, गांधी के लिए बाकी जो भी चीज़ें हैं उसके नीचे है। गांधी को हम सब लोग सत्याग्रह एक नया उपकरण गांधी ने डेवलप किया और उससे इतनी बड़ी लड़ाई जीती और हम सबको एक उपकरण दिया। आज सारी दुनिया में गांधी की चर्चा है और गांधी के नाम की चर्चा है और गांधी के इस उपकरण की चर्चा है। अभी हम यहाँ आ रहे हैं, वहाँ बच्चे होली खेल रहे हैं और उसमें से सब शिक्षकों को देखा कि टेंस हैं ये, उससे ज़्यादा टेंशन इनको हो जाएगी, इनको ये एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर 100 बच्चे यहाँ उपवास करने बैठ जाए तो उपवास की ताकत क्या है ये गांधी ने एस्टेब्लिश कर दिया कि अगर सच्चाई आपके पक्ष में है तो अहिंसक ढंग से अगर आप अपनी बात मजबूती से रखते हैं, और इसको हम तो कई दफ़े हल्के में लेते हैं, फिलिस्तीन के लोग का इतफादा जो है वो उसमें आजमा रहे हैं, बर्मा के लोग आजमा रहे हैं, अफ्रीका के लोग आजमा रहे हैं, अमेरिकी ब्लैक आजमा रहे हैं, दुनिया में अन्याय से लड़ाई की ये तकनीक जो है ये दुनिया भर में उपलब्ध है। तो मेरा आग्रह ये है कि गांधी जब आप पढ़ें तो थोड़े नए तरह से पढ़ें। गांधी की पढ़ाई में इन बदलावों की ज़रूरत 100 साल का फासला बीतने से भी आया है और गांधी इस 100 साल में काफ़ी बदले भी हैं और हमारी ज़रूरत उससे ज़्यादा बदली, लेकिन अच्छाई ये है कि गांधी की इसी लड़ाई में जो उन्होंने अपने जीवन काल में लड़ी उसमें हमारे लिए कई सूत्र हैं और कई रास्ते हैं। और गांधी से प्रेम दुनिया में सिर्फ सत्याग्रह की वजह से नहीं बढ़ा है। एक ज़माने में माना जाता था कि अंग्रेजी सूरज कहीं अस्त नहीं होता दुनिया में, आज दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ गांधी की मूर्ति नहीं लगी है, जहाँ गांधी का नाम अनजाना है। दिन पर दिन गांधी आर्ट में, फिल्मों में, मूर्ति बनाने में, आप नेट पे ढूंढिए वो मूर्ति बनाने की तकनीक गांधी की, या स्केच बना
ऐसे कमर्शियल कोर्स चल रहे हैं, तो ये सब चीजें दुनिया में बड़ी तेजी